1947 पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब 2020 तक पाकिस्तान की आबादी कितनी है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। शुरू से लेकर एंड तक आपको हमारी वीडियो देखनी है। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लीजिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। 1947 के बाद 1955 में पाकिस्तान में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ बताई जाने लगी और पाकिस्तान बढ़ती आबादी के साथ पूरी दुनिया में 14वें नंबर पे सरे फहरिस्त रहा। फिर उसके बाद 1975 में सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 2 करोड़ और बढ़ गई। कुल आबादी 6 करोड़ हो चुकी थी और पाकिस्तान बढ़ती आबादी के हिसाब से पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे आ चुका था। सन 2000 उसमें तो पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को पर ही लग गए थे। पाकिस्तान की कुल आबादी सन 2000 के अंदर 14 करोड़ हो चुकी थी। वो इस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी से 7वें नंबर पे आ चुका था। फिर 2019 में एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 14 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ तक जा पहुंची। ये 19 सालों का सफ़र था 14 करोड़ से लेकर 21 साल तक का। और पाकिस्तान बढ़ती आबादी के साथ पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आ चुका था। अब एक साल बाद 2020 शुरू हो चुका है। अब तक के हिसाब से बताया जाता है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। वो इस साल के आखिर में आते आते 23 करोड़ हो जाएगी और पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान 5वें नंबर पे सरे फहरिस्त रहेगा। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताऊं कि किन किन शहरों की कितनी आबादी है, तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके आप हमारी हौसला अफजाई करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।